6 जनवरी को वर्ष 2022 की पहली विनायक चतुर्थी है, जो चतुर्थी तिथि अमावस्या के बाद आती है। उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि हर माह में दो बार आती है। मान्यता है कि अगर विनायक चतुर्थी के दिन कुछ उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पौष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को दोपहर 2:34 पर होगी, जिसका समापन देर रात 12:29 पर होगा। विनायक चतुर्थी की उदया तिथि के अनुसार 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 5 जनवरी की दोपहर से चतुर्थी शुरू होगी। व्रत स्नान के लिए उदया तिथि मान्य होगी, इसीलिए विनायक चतुर्थी व्रत 6 जनवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। 6 जनवरी को गणेश पूजा के लिए आपको 1:04 का समय रहेगा। पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी पूजा मुहूर्त 6 जनवरी को दोपहर 11:25 से लेकर 12:29 तक होगा। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन सुबह सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प करें। साफ सुथरी जगह पर एक साफ चौकी रखकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और चौकी पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके चारों तरफ गंगा जल छिड़क कर पूरे स्थान को पवित्र करें। बाद में भगवान श्री गणेश को पुष्प की मदद से जल अर्पित करें। भगवान गणेश के चरणों में लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल और मिठाई समर्पित करें। भगवान गणेश को प्रिय मोदक का भोग लगाना ना भूलें। इसके बाद भगवान गणेश का धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती करें, मंत्र जाप करें और उसके बाद में कथा का पाठ अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी का व्रत रखने और व्रत कथा को सुनने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सारे विघ्न दूर होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है।